पस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामल कुमार राम, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। आज हम आपके लेकर आए हैं कि आपके पास में घर में पंचिंग बैग में पंच करने के लिए आपके पास पंचिंग बैग नहीं है तो आप बिना पैसे में कैसे पंचिंग बैग बना सकते हैं घर में। बहुत ईजी तरीका है, बहुत ईजी ट्रिक से आप बना पाएंगे सिर्फ 5 से 10 मिनट में। देखिए उसके लिए आपको क्या क्या लगेगा। मैंने एक इसको एक होल करने के लिए, छेद करने के लिए बुक में एक ये लिया है, ठीक है, और एक ऐसा पुराना बुक ले लेना है। आप इसे मोटा भी ले सकते हैं, पतला, जो यूजलेस हो, कोई काम का नहीं हो, बहुत पुराना हो गया है वो, आपके कोई काम का ना हो, वैसा एक बुक ले लें। मैंने यहाँ पर बेल्ट का काम किया है। बेल्ट की जगह पर आप लोग अपना रस्सी भी ले सकते हैं छोटा सा, और उससे भी काम चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे इसको बनाना है और क्या करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोगों को इसमें छेद करना है, इसमें छेद करना है। तो किस तरह से, हमको ऐसा जगह पर, दो जगह पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, हमको बैलेंस करके छेद कर लेना है। तो पहले हम लोग यहाँ पर छेद करते हैं। इतना छेद करना है ताकि आपका जो रस्सी है वो आर पार हो जाए, ठीक है। तो मेरा ये अच्छा से हो गया है। अब दूसरा में करना है हमें, ये हमारा यहाँ पर दो छेद हो गया है, आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पर और एक यहाँ पर, है ना, दो छेद करना है। अब इसको ऐसे करके हमें बांधना है। तो देखते हैं कैसे करना है अभी हमें। अब हमें रस्सी निकाल लेना है। अगर आपके पास में कुछ और हो तो आप रस्सी ले सकते हैं। मैं बेल्ट का सहारा ले रहा हूँ क्योंकि बेल्ट जनरली सभी के पास में पुराने बेल्ट रहते हैं, तो इसलिए मैं बेल्ट का सहारा ले रहा हूँ। इसको अभी हम लोग क्या करना है, इधर से एक ऐसे करके बांध देना है और फिर इधर से एक बांध देना, और ये वाला एक ऐसे हैंग करके बना देना है इसको, ठीक है। तो चलिए इसमें डालते हैं पहले इसको। ये अगर छोटी रस्सी रहती ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बेल्ट वाला में थोड़ा, अब ये देखा कि जिसके पास जो सुविधा हो उस तरह से करते हैं। हमने रस्सी खोज रहे थे हम, तो मिला नहीं, तो हम सोचे चलो इसी से काम बना लेते हैं अपना, क्योंकि काम करना है बस ना। ये टाइट, ये इस तरह से हमें बना लेना है, ठीक है। अगर आपके पास में जैसे कील है, कील अगर है तो उसमें लटका देंगे, आपका पंचिंग बैग रेडी हो जाएगा। लेकिन हम लोग एक फिर भी रस्सी ले लेते हैं, एक बढ़िया से बांध लेते हैं इसको ताकि हमें परेशानी ना हो, ठीक है। इस तरह से हमने बांध दिया इसको। अभी हम लोगों को क्या करना है, इसको हैंग करना है। बट जब भी आप हैंग कीजिएगा तो पीछे दीवार रखना है इस तरह से, ताकि अच्छा से ये सपोर्ट मिले इसको, और उसी हिसाब से हमको अभी यहाँ पर हम लोग खिड़की में बांध। अब ये हो गया, होने के बाद अब हमें प्रैक्टिस क्या करना है, प्रैक्टिस करना। देखिए अभी हम लोग ऐसे खड़े हो गए और वन, देखिए ऐसे हमें पंच करना है इस पर। पहले हम लोगों को पंच कहाँ से करना है, पहले ये दोनों चीज़ जो है, इसको और इसको, ये दोनों चीज़ आपको पॉइंट करना है, इसको ही पहले हमको अटैक करना है इसमें और फिर मारना है। अब पहले क्या होता था, बहुत सारे कोच आज भी हैं जो ट्रेडिशनल कोच, जो ट्रेडिशनल ट्रेनिंग करवाते हैं जो कोच,
वो आज भी हमें क्या करवाते हैं, पेड़ हो गए जो सॉफ्ट होता है, पेड़ को पहले चुनते हैं वो लोग, और जो सॉफ्ट होता है थोड़ा ठीक ठाक होता है उनको आस्ते 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 आस्ते, ये एक चीज़ जो होता है ना, कंडीशनिंग जो ट्रेनिंग होती है ना, वो पागल जैसा नहीं कर दो, ऐसा नहीं है, आपको इसको प्यार से और धीरे धीरे अटैक में जाना पड़ेगा। मार्शल आर्ट एक खेल नहीं है, ये एक तपस्या है जिसको आप रोज़ाना, आपको एक आदत डालना पड़ेगा, सुबह में या शाम में आप एक फिक्स कर लीजिए, उसको ट्रेनिंग करना पड़ेगा और ध्यान से और दिल से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, ऐसे नहीं रिजल्ट मिलने वाला, ठीक है। अब इसको हम लोग प्रैक्टिस किस तरह से कर रहे हैं, पहले हम लोग देखिए यहाँ से ये है, ये अपर पार्ट वाला, पहले ये जो दो नेकल्स है उस पर हम मार रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपने देखा होगा इप मैन का मूवी में देखा होगा आपने, इस तरह से अटैक करते हैं। तो ये क्या होता है, ये शॉर्ट में कराटे हो, किकबॉक्सिंग हो, कोई भी मार्शल आर्ट हो, हर एक में पंच का ट्रेनिंग अलग अलग है, बट नाम अलग अलग हो सकता है, बट पंच की ट्रेनिंग सभी में करवाई जाती है। जैसे जो एप मैन जो कर रहे थे वो इस तरह से कर रहे हैं, उनका ज़्यादा मूव इसमें वो अप्लाई कर रहे हैं, और कराटे में कुछ लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग पंच करते हैं, सबका फाइटिंग का जो टेक्निक होता है, फाइटिंग का जो करने का तरीका होता है, सबका अलग अलग होता है, वो लोग अपने आइडिया से अपने तरीके से फाइट करते हैं। इसमें हम लोग अभी इसमें सॉफ्ट सॉफ्ट हमको अटैक करना है, जब ये चीज़ हो जाए, समझिए ये हो गया, अब हमको ये लोअर वाला, ये जो दोनों पार्ट है इसको भी कंडीशनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग नीचे वाला कर रहे हैं, कोई भी चीज़ होना आपको दिल से लगन लगाकर आपको करना पड़ेगा, ये नहीं कि आज मैंने कर लिया और हो गया, जी नहीं। यहां से अब हमारा इस चीज को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कभी भी कंडीशनिंग करते हैं या कोई भी पंचिंग बैग में हिट करते हैं, पेड़ में हिट करते हैं, जिससे आप अपना सोच रहे हैं कि हाथ या पंच स्ट्रांग हो, तो उस चीज़ को अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जोर से मारना जितना ज़रूरी नहीं है उतना परफेक्ट मारना ज़रूरी है। कहाँ से मुझे मारना है, किस जगह पर हमें मारना है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पर मुझे मारना है, इस निकल से हमें मारना है, ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं कि मुझे पागल जैसा ऐसे 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 करके मारना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब एक फाइटर फाइट करता है, कभी भी कोई भी फाइटर को देखे हैं, अगर फाइट करता है और वो किसी कारण से अपना आपा खो देता है और गुस्से में आकर आलतू फालतू पंच करने लगता है, तो वो फाइटर हमेशा मार खा जाता है। तो अगर आपको अच्छे से फाइट करना है, किसी का रिजल्ट अच्छा चाहिए फाइटिंग में, तो आपको अपना आपा नहीं खोना होगा, मन शांत करके अच्छे से अच्छी टेक्निक अप्लाई करनी होगी, आपकी जीत जरूर होगी। वैसे ही यहाँ पर जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस चीज़ को जब आप कर रहे हैं तो परफेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि मुझे मारना कहाँ से है और किस जगह पर मारना है, कहाँ से मारना है, तो आपको अच्छा इफेक्ट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। इस जगह पर आप दूसरे कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ये टेशो आप कर सकते हैं, ठीक है, आराम से शुतो उची कर सकते हैं इस तरह से, अपने अपने हाथ को लोग वेपन्स बनाने चाहते हैं लेकिन उस तरह से हम मेहनत नहीं करते हैं। ये अगर मैं आपको आज दिखा दूं कि ऐसे ऐसे मारना है, उसको आपको सदियों लग जाएंगे इस चीज़ को ठीक करने में, 2-4 साल, 6 साल, 5 साल, 2 महीने, 4 महीने, ये नहीं कि एक दिन में इसको मारे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम इस पर अब देखिए, ये खास करके लड़कियों के लिए और अच्छा है, थप्पड़ किसी को मारना है तो ये वाला प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लें, बहुत अच्छा है। शुतोची आप यहाँ पर एल्बो से अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये आप ऐसे एल्बो से प्रैक्टिस कर सकते हैं, फोरआर्म से प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सॉफ्ट हिट करना है या हार्ड हिट करना है। आपको सॉफ्ट हार्ड
करते हुए अपने परफेक्ट करना है। पहले आपको हमेशा सॉफ्ट में जाना है। पहले आपको यहाँ से हम ये स्टार्ट किए, अब हम अगर मार रहे हैं तो अब हमें, अगर हम इसमें बहुत अच्छा हो गए तब हमें क्या करना है। अब तो दोस्तों इस तरह से आपको अपने घर में बिना पैसे का पंचिंग बैग मिल जाएगा। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छा इफेक्ट करता है, बहुत अच्छे अच्छे इसमें अच्छे अच्छे फाइटर लोग इसमें प्रैक्टिस करते हैं। ये नहीं कि घर में ये आपको फ्री में मिल रहा है तो बहुत बेकार है आपके लिए, बहुत अच्छा इफेक्ट करेगा। इसको आपको प्रैक्टिस करना है। इसको प्रैक्टिस करने से बहुत सारे फायदे हैं, आपके जितने भी कंडीशनिंग प्रॉब्लम है, कंडीशनिंग आपको करना है आप इजीली कर सकते हैं। आप कहते हैं कि आपके घर में पंचिंग बैग झुलाने के लिए जगह नहीं है, आप इसको ज़रूर कर सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा जगह नहीं लगेगा, छोटा सा स्पेस लगेगा, एक कील लगेगा, मतलब आपको इसका खर्चा ना के बराबर है, आपके घर में सब कुछ मिल जाएगा। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। रिजल्ट कैसा हुआ, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये आइडिया कैसा लगा, हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टाटा बाय।